नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 712वां एपिसोड। तो भैया आज 11 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और स्पेशली एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, सारी खबरें सबसे पहले आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। सारी खबरें सबसे पहले लेकर आए हैं, पाकिस्तान के कैंप में क्या चल रहा है वो भी बताएंगे एंड तक। तो आप वीडियो को देखते हैं, लाइक और शेयर भी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एशिया कप आईपीएल वर्ल्ड कप के लिए सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट आईपीएल 2023 की लाइव स्ट्रीम से जुड़ी हुई आ रही है। आपको ये तो पता होगा कि नया लाइव स्ट्रीमर वायकॉम होने वाला है, मतलब वायकॉम 18 नेटवर्क के पास अब ऑनलाइन आईपीएल को दिखाने के राइट्स है। लेकिन भैया वायकॉम या वूट पर आईपीएल नहीं आएगा, पैरामाउंट प्लस पर ही लाइव स्ट्रीम होने वाली है आईपीएल 2023 की, जो अभी तक की रिपोर्ट्स निकल कर आई है। पहले इसको डिनाई किया गया था बट कल इनसाइड स्पोर्ट्स के हवाले से ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि पैरामाउंट प्लस एक नया कहने ना ऑनलाइन पार्टनर लॉन्च होगा। जिस तरह से डिज्नी हॉटस्टार है उसी तरह से पैरामाउंट प्लस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर लाइव स्ट्रीम होगी। दरअसल दोस्तों हो ये रहा है कि लोगों ने वूट के ईयरली और दो दो साल के जो सब्सक्रिप्शन है उसके रेट्स जो है ऑलरेडी चेकआउट कर ली है और आईपीएल इसी दौरान होने वाला है। अगर आप आज से एक साल का वूट का पैकेज ले लेते हैं तो आप आईपीएल को भी कवर कर लेंगे, लेकिन इससे घाटा हो जाएगा वायकॉम 18 का, वूट वालों का। तो वो भैया पैरामाउंट प्लस लॉन्च करेंगे और वहां पर आईपीएल दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो यार शामी को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे एशिया कप स्क्वाड में और इसी को लेकर कल हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है अर्नब ऑफिशियल, उन्होंने हमसे सवाल पूछ लिया था। अर्नब भाई ने सवाल पूछा था शमी शुड रिप्लेस आवेश इन एशिया कप। तो सबसे पहले तो यार अर्नब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने सवाल पूछा, और आप लोग जो देख रहे हैं आप भी सवाल पूछिए नीचे कमेंट बॉक्स में, कल आपके सवाल का जवाब दे देंगे, कल आप भी हमारी वीडियोस का हिस्सा बन जाना। अर्नब भाई ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब यह है कि क्या आवेश खान एशिया कप में शामी उनकी जगह ले सकते, जवाब है नहीं। बीसीसीआई टी20 इंटरनेशनल से उनको ऑलरेडी बाहर कर चुका है और बीसीसीआई ने उनको खुद बोल दिया है, जो मैंने आपको खबर भी बताई थी ESPN के हवाले से कि बीसीसीआई ने डिक्टेट कर दिया है शमी को कि हम आपको टी20 इंटरनेशनल इसलिए कंसाइडर नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि इतने सारे तेज गेंदबाजों की बाढ़ आ गई है कि उनको संभालना मुश्किल है। सो दैट इज व्हाई कुछ भी हो जाए अगर आवेश को भी रिप्लेस करना पड़ा तो फिर और दूसरे विकल्प बीसीसीआई देखेगा। और आपको बता दूं कि शमी के पीछे नहीं जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक बार ये लोग शिराज के पीछे चले जाएंगे बट शमी के पीछे नहीं जाएंगे जस्ट बिकॉज वो एज वाला फैक्टर और 10 तरह की चीजें ये लोग यहां पर लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ट्रेंट बोल्ट ने खुशखबरी दे दी है आईपीएल के फैंस को, क्योंकि भैया ट्रेंट बोल्ट को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से एग्रीमेंट मिल गया है और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। मतलब न्यूजीलैंड की जो इंटरनेशनल टीम है उनके सेंट्रल पूल से बोल्ट को आउट कर दिया गया है। अब ये बुरी खबर आपको लग रही होगी लेकिन आईपीएल के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बोल्ट लगातार चाहते थे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड उनको बाहर कर दे क्योंकि वो दुनिया भर की दूसरी टी20 लीग्स में जाकर खेल सके। UAE में टी20 लीग होने वाली है और मिनी आईपीएल होने वाला है, इन दो लीग्स में खेलने की इजाजत बोल्ट को नहीं मिलती अगर वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल पूल का हिस्सा होते। लेकिन वो सेंट्रल पूल से बाहर हो गए तो अब वो ये दोनों लीग खेलेंगे, पैसा कमाना चाहता है बोल्ट भाई। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो यार कल धारा भाई याशु नाम के चैनल ने हमसे एक सवाल पूछ लिया, उन्होंने कहा बाय चांस अगर हर्षल पटेल एशिया कप के बाद फिट हो जाए तो क्या उनकी एंट्री टी20 वर्ल्ड कप में होगी। तो धारा भाई याशु, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हर्षल पटेल के लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि वो शायद टी20 वर्ल्ड कप तक फिट नहीं हो पाए, और फर्ज कीजिए अगर वो फिट हो भी जाते हैं तो ऑलरेडी इतने मैचेस हो चुके होंगे और ऑलरेडी भारतीय टीम के पास प्रॉपर फिक्स स्क्वाड बन चुकी होगी। तो पटेल की एंट्री होना अब की परिस्थिति में टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में एक नामुमकिन प्रोसेस का ही हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो पाकिस्तान के पूर्व प्लेयर शोएब मकसूद ने बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा कि ICC के बड़े इवेंट्स में लगातार पाकिस्तान का हार का जो कारण है वो ओवर एक्साइटमेंट है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तानी मानते नहीं है कि ये इंडिया से कमजोर टीम है, इसलिए अलग अलग रीजन देते रहते हैं, भाई हम इसलिए हारते हैं, हम इसलिए हारते हैं। अब यहां पर भी दोस्तों ये लोग बोल रहे हैं कि ये ओवर एक्साइट हो जाते हैं इसलिए ये लोग हार जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शोएब मकसूद जो भी बोल रहे हैं हर कुछ बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ऐसे दिन भर की छठी बड़ी खबर की। तो यार कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, देखो स्पॉट का ऐलान हो गया लेकिन हम सभी देखना चाहते हैं कि यार प्लेइंग 11 कैसी होगी। तो उसके लिए
डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, क्योंकि एमसीपी शॉर्ट पे हमने प्लेइंग 11 डाल दी है। वीडियो भी बनाएंगे प्लेइंग 11 को डिटेल में समझाएंगे कैसे रहेगी, लेकिन अभी प्लेइंग 11 देख रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, लिंक खोलिए, एमसीपी शॉर्ट भाई का नया चैनल है, वहां भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं कि साथ ही बड़ी खबर की, तो यार एशिया कप की स्क्वाड तो हो गई, एशिया कप की स्क्वाड का ऐलान भी हो गया, लेकिन स्क्वाड को देखने के बाद पाकिस्तान बड़ा डरा हुआ है और इसके पीछे भी आईपीएल का ही कारण है। तीन ऐसे खिलाड़ी है जिनसे पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है और ये तीनों बहुत तगड़े चल रहे हैं और ये तीनों आईपीएल में भी खूब चले हैं। दो तो है भाई कप्तान, एक है गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या, दूसरे है भैया लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल। इन दोनों से बहुत ज्यादा पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है बिकॉज ये दोनों जो प्लेयर्स है, दे बोथ प्लेयर्स, इनका आईपीएल बहुत अच्छा गया है और इन्होंने आईपीएल में सबको डराया। तीसरे प्लेयर सूर्यकुमार यादव, सूर्यकुमार का भी आईपीएल अच्छा गया था, बहुत कंसिस्टेंट फॉर्म में है इस समय, आईसीसी की टी20 बैटिंग रैंकिंग नंबर 2 पर चल रहे हैं और बहुत जल्दी नंबर 1 पर जिम्बाब्वे टूर के बाद हो सकता आ जाए। तो यार पाकिस्तान डरा हुआ है इन तीन खिलाड़ियों से जस्ट बिकॉज आईपीएल और इनका कंसिस्टेंट फॉर्म। और एक चीज तो हम यहाँ से जरूर बोल सकते हैं कि आईपीएल पाकिस्तानियों को डरा बहुत देता है और रिसेंटली जो जितनी सक्सेस भारतीय खिलाड़ियों की हुई है पाकिस्तान दुनिया में किसी भी टीम के खिलाफ, उसके पीछे आईपीएल का हाथ है, तो आईपीएल के लिए एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की, तो जिम्बाब्वे सीरीज का कहां होगा लाइव स्ट्रीमिंग, कहां पर टीवी पर आप इस सीरीज को देख पाएंगे। दरअसल दोस्तों हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पूरी सीरीज होने वाली है, मतलब जिम्बाब्वे की जो राजधानी वहां पर 18 अगस्त से ये सीरीज की शुरुआत हो जाएगी और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी नेटवर्क पे होने वाली है। ऑनलाइन आप सोनी लिव पर इस सीरीज को देख सकते हैं या फिर फैन कोड पर इस सीरीज को देखा जा सकता है। तो जिम्बाब्वे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल और टेलीकास्ट डिटेल सबसे पहले आपके भाई ने बता दी है, लाइक तो बनता है, लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक का बटन नीचे अभी बोल रहा हूँ, नहीं किया हो तो फटाफट कर दो। 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं, दिनेश कनेरिया ने बड़ी बात कह दी भारत की टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड पर। उन्होंने कहा कि भैया भारत की टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का तो ऐलान हो गया, लेकिन भारतीय टीम को, टीम इंडिया के सिलेक्टर्स को केएल राहुल को इतनी जल्दी रश नहीं करना था स्क्वाड में। उनका कहना यह है कि केएल राहुल अगर पूरी तरीके से फिट ना हो तो उन्हें एशिया कप में ना खिलाया जाए और उनको टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जाए। और मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं क्योंकि केएल राहुल अभी फिटनेस से निकल कर आ रहे हैं, अब उनका फॉर्म का टेस्टिंग होगी, क्योंकि फिटनेस जब आदमी रिकवर कर आता है प्लेयर तो उसका फॉर्म चेंज होता है, क्या वो पुराने वाले फॉर्म में है, और उससे ही हमें पता लगेगा कि उनको टी20 वर्ल्ड कप में लेना है तो नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम नहीं है ना भाई, यहाँ पर रातों रात किसी प्लेयर को उठाकर ले लिया जाए ऐसा नहीं होता ना, यहाँ पर खिलाड़ी को देखा जाता है भारतीय टीम में, एंड दैट इज व्हाई मेरे हिसाब से मैं कनेरिया से सहमत नहीं हूँ। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट एमसीबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिए, आपके सवाल का जवाब दे देंगे कल वाली वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में नीचे सवाल पूछे, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए।